हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी स्पिनर चॉकलेट रोल। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कढ़ाई गैस में रख दिया। अभी लहसुन दाना भर मूंगफली लिया 2 कप। पहले ड्राई रोस्ट कर लूंगी। लो फ्लेम में अच्छी तरह से मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेने का। ड्राई रोस्ट होने के बाद ठंडा करके इसके छिलका निकल लूंगी और ग्राइंडर में पीस के रेडी करूंगी। सिंगदाना अच्छी तरह से फ्राई हो गया, मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और ठंडा करके छिलका निकाल लूंगी। स्पिनट चॉकलेट रोल बनाने के लिए स्पिनट व मूंगफली रोस्ट करके छिलका निकाल के रखा। आधा क्वांटिटी में शुगर लिया और 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर। ग्राइंडर का जार ले लिया, जो स्पिनट छिलके रेडी किया और पाउडर बना लेती हूँ। 2 सेकेंड रुक रुक के इसके रेडी करूँगी। ऐसे पाउडर बना लिया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैं शुगर और थोड़ा सा पानी ऐड करके मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ। एक तार का टच भी होने तक ऐसे गड़ा कर दूंगी और चेक करके देखूंगी और 2 मिनट अच्छी तरह से कुक कर ली। अभी बड़ा बबल्स चला गया, देख ही सकते हैं। और एक तार का बना कि नहीं वो पहले चेक कर लेती हूँ, बन गया। तो अभी जो मूंगफली का और स्पिनट का पाउडर बना के रखा वो ऐड कर दूंगी। इसमें घी मावा कुछ भी जरूरत नहीं होता। और चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया और 2 मिनट कुक कर लूंगी कढ़ाई छोड़ने तक। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए कढ़ाई छोड़ने आया, तो अभी गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ठंडा होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाऊँगी। अब जो मिश्रण बनाया स्वीट का वो हल्का सा गर्म है, तो आधा पोर्शन, आधा से ज़्यादा पोर्शन, आधा आधा कर लेती हूँ। तो आधा पोर्शन साइड में रख देती हूँ और आधा पोर्शन चॉकलेट मिक्स करूँगी। और यह चॉकलेट पाउडर मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। गर्म रहते हुए चॉकलेट पाउडर को मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने का। थोड़ा लाइट कलर आया इसके लिए और 1 चम्मच चॉकलेट पाउडर ऐड किया और हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चॉकलेट का डो बना के रेडी कर लिया। चॉकलेट वाला और ये ठंडा हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके रोल बना लूँगी। तो से ऐसे रोल बना लिया। आप लोग ऐसे चक्के पे भी और जो चॉकलेट का बनाया था वो भी ऐसे बना के और ऐसे रोल करते जाने का। और छोटा छोटा पीसेस में कट के रेडी करूँगी। देखिए बिना मावा बिना घी कुछ भी यूज़ नहीं किया, बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया। अभी छोटा छोटा पीसेस करके रोल को कट कर लेती हूँ। ऐसे सारे बना लेती हूँ। सारे रोल को बना के तैयार कर लिया। देखिए 1 कप मूंगफली व स्पिनट को और मात्र 3 इंग्रेडिएंट्स लगा, शुगर स्पिनट और चॉकलेट पाउडर। तो कितना अच्छा, कितना सारे बहुत ही सस्ते में इतना सारा रोल मिठाई बन के रेडी हो गया।